वेलकम टू गेमिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग और भी 5 प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल 5 रीजन बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे एंड ये जो अपकमिंग नेट आने वाला है एज वेल एज गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। हम लोग मेनली रीजन सीरीज डिस्कस कर रहे हैं एंड रीजन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एंड कौन सी रीजन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये क्वेश्चन सीएसआईआर यूजीसी नेट 16 मैथ जून का। तो यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम दिया गया एंड यू हैव अ हाइड्रोजन पैलाडियम 10% पैलाडियम चारकोल इथेनॉल सॉल्वेंट। वी नो दिस हाइड्रोजन एंड 10% पैलाडियम चारकोल इज यूज फॉर द हाइड्रोजनेशन पर्पज, राइट? हाइड्रोजनेशन मीन्स लेट्स से यू हैव अ डबल बॉन्ड CH2। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोजन 10% पैलाडियम एंड चारकोल ऐड कर देते ना, देन यू विल गेट CH2 एंड देन हाइड्रोजन एंड देन यू हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, नाउ द पॉइंट इज, ये जो क्वेश्चन अभी आया है यहाँ पे देखो, लेट्स से यू हैव दिस कंपाउंड, यू हैव दिस बेंजाइल एंड देन यू हैव सीबीजेड का यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन किया गया। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है एंड देन यू हैव दिस ग्रुप एंड बेंजाइल बेसिकली CH2PH होता है एंड देन यू हैव एन हाइड्रोजन। सीबीजेड का स्ट्रक्चर क्या है देखो यहाँ पे मेंशन किया गया, ये देखो यहाँ पे ओ सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन यू हैव CH2PH। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है एंड देन यू हैव NH बॉक। बॉक में बेसिकली ओ सी डबल बॉन्ड ओ टार्ट बीटल ग्रुप रहता है। ठीक है, बॉक में तो बेसिकली देखो ये जो रिएजन है ना ये हाइड्रोजनेशन पर्पस में यूज होता है। ऑल्सो अगर यू हैव एनी बेंजाइल कोई भी ग्रुप है ना तो ये जो बेंजाइल बॉन्ड को ये ब्रेक कर देता है, जैसे ऑक्सीजन में बेंजाइल प्रोटेक्शन है CH2PH का, तो इसका भी ये डी बेंजाइलेशन कर देता है। दैट मीन्स हाइड्रोजन इन 10% पैलाडियम चारकोल के प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो बेंजाइल ग्रुप इसका रिमूव हो जाता है एंड देन यू विल गेट अ फ्री अल्कोहल OH। ठीक है, दैट मीन्स एनी आर कैन बी एनी थिंग। ठीक है, तो ये OH ऑक्सीजन जो है वो अभी फ्री हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग ये हाइड्रोजन एंड 10% पैलाडियम चारकोल यूज़ करेंगे ना तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये पोर्शन को वो ब्रेक कर देगा एंड ऑल्सो यहाँ पे देखो ओके एक में मैंने एक मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर था। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे ना तो क्या होगा, ये जो CH2PH है इसका भी ये डी बेंजाइलेशन कर देगा। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो यहाँ पे, यहाँ से बन जाएगा ओ माइनस एंड देन यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ एंड देन यू हैव दिस ग्रुप एंड देन यहाँ पे NH। ठीक है, एंड नाउ यू हैव सी डबल बॉन्ड ओ माइनस। ठीक है, एंड देन जो भी ग्रुप है, ठीक है, इसका कोई चेंज नहीं होगा, बॉक का कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी बेंजाइल ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो ये बॉक इटसेल्फ ऐसे रहेगा। नाउ ये क्या होगा देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये जो ग्रुप है ये अभी क्या करेगा, मीडियम में क्या सॉल्वेंट है, इथानॉल है। ठीक है, मीडियम में देखो यहाँ पे इथानॉल सॉल्वेंट है तो इथानॉल से क्या करेगा, वो प्रोटॉन ले लेगा। तो ये बेसिकली मीडियम से प्रोटॉन ले लेगा, बट ये भी प्रोटॉन ले सकता है, बट द पॉइंट इज ये नाइट्रोजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या होता है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। बिकॉज नाइट्रोजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज जाएगा वो एज ए फ्री एमीन जेनरेट कर सकता है एंड देन यू विल हैव दिस एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस होगा तो वो भी एक प्रोटॉन ले सकते हैं यहाँ से एंड देन यू विल गेट NH2 एंड बाकी जो ग्रुप होगा वो सेम रहेगा, जैसे NH वॉक। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, बेसिकली देखो यहाँ पे ये होगा कॉरस्पॉन्डिंग आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली सेम ईयर में आया था, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज यूज फॉर दियोर लाइक रिडक्शन पर्पज के लिए यूज होता है, राइट? जैसे कार्बोनिल का रिडक्शन है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज होता है। ठीक है, ऑल्सो अगर इपॉक्साइड की बात करें, इपॉक्साइड का जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिडक्शन होता है तो यहाँ पे हाइड्राइड ऐसे करके इस रिंग को ओपन कर देता है। सो एट दिस केस यू विल गेट CH2OH एंड देन यू हैव CH3। तो ऐसे करके हम लोग इसका रिंग ओपनिंग भी कर सकते हैं। ओके, नाउ देखो यहाँ पे ओनली रिएक्टिव सेंटर इज दिस, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि एसिटल है, ये टोटली ब्लॉक है। एसिटल एसिड कंडीशन में फिर ब्रेक हो जाते हैं, बट इस कंडीशन में कोई भी एसिटल का ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, नाउ द ओनली रिएक्टिव साइड इज दिस, तो क्या होगा बेसिकली इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखो
ठीक है, एंड देन यू हैव दिस ऑक्सीजन, ठीक है, नाउ यू हैव दिस, ओके, एंड नाउ यू हैव नाउ इपॉक्साइड का रिंग कैसे ओपन होगा, ठीक है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखो अगर हाइड्राइड पाइनस, ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये इक्विटोरियल बॉन्ड है, ठीक है, एंड ये जो बॉन्ड है ये एक्सियल बॉन्ड है. अगर इस कार्बन में एक इक्विटोरियल बॉन्ड इन्वॉल्व है तो हाइड्राइड का जो अप्रोच होगा वो ऑलवेज एक्सियल फैशन से ही होगा. एंड ये जो बॉन्ड है यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड है तो इस साइड में से अगर अप्रोच करेगा तो ये अप्रोच बेसिकली इक्विटोरियल फैशन से होगा. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, ये जो अप्रोच होता है ना हाइड्राइड का अप्रोच, ऑलवेज रिमेंबर ये एक्सियल फेशियल, एक्सियल जो साइट है यहाँ से ये फेवरेबल होता है, इक्विटोरियल से नहीं होता है, ठीक है. उसके बाद क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे जो ओपनिंग होगा वो बेसिकली इस कार्बन का ओपनिंग होगा, सॉरी सी ओ बॉन्ड का ओपनिंग हो जाएगा. सो एट दी एंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेसिकली ये बनेगा, यू हैव ओ एच और हाइड्रोजन आएगा ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे ओ एम ई, ठीक है, एंड देन यहाँ पे पी एच. सो द करेक्ट आंसर शुड बी योर दिस, ठीक है, तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस, ये भी जून 16 में आया था, ठीक है. यहाँ पे देखो ये मॉलिक्यूल दिया गया है एंड देन यू हैव दिस, ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था. यू हैव दिस, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल दिया गया, देखो ये तो ये जो पार्ट है ये बेसिकली योर कीटोन है, ठीक है, और एक जो पार्ट दिया गया दैट इज योर ए स्टार, ठीक है, एक तो कीटोन है और एक अनदर पार्ट इज योर ए स्टार, और ये तो सिंपल मिथाइल है. नाउ अगर हम लोग ये जो रिएजन दिया गया ना, दिस इज बेसिकली 1,2-diol इथिनिल डायल, ठीक है, एंड देन यू हैव ए टॉसाइल टॉसाइलिक एसिड, ओके, TSOH. तो क्या होगा बेसिकली, देखो ये जो पार्ट है ना ये बेसिकली कीटोन की प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है. रिमेंबर दिस इज यूज फॉर योर कीटोन प्रोटेक्शन, कीटोन प्रोटेक्शन. तो बेसिकली ये जो एसिड पार्ट है ना वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन करेगा और ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर वो जाके ये अटैक करता है, ठीक है, एंड देन इसको ओपन कर देगा. तो एट दी एंड यू विल गेट ए प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट. प्रोटेक्शन प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो यहाँ पे बेसिकली यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, इसमें बन जाता है इसका प्रोटेक्शन, ठीक है. बट ये जो ग्रुप मैंने यूज किया ना 1,2-diol, ये ओनली फॉर कीटोन, सेलेक्टिव फॉर कीटोन प्रोटेक्शन, ठीक है. रिमेंबर दिस इज सेलेक्टिव फॉर योर कीटोन प्रोटेक्शन. एस्टर तो कोई भी प्रोटेक्शन नहीं करता, ठीक है. अभी देखो एस्टर फ्री है. उसके बाद जो नेक्स्ट रिएजन दिया गया दैट इज बेसिकली टेबे रिएजन. इसका नेम रिएक्शन बेसिकली एक नेम है टेबे रिएजन. टेबे रिएजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टेबे रिएजन जो है ना ये दोनों चीज़ों का क्या करते हैं, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, एस्टर कीटोन, ठीक है, ये दोनों का जो ग्रुप है ये सबका क्या करते हैं, जो कार्बोनिल है कार्बोनिल को CH2 में कन्वर्ट कर देता है. जैसे एस्टर क्या है, यह है C(OOR), राइट, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं. कीटोन क्या होता है, जैसे C(OR), ठीक है, यहाँ पे जैसे R डैश में लिख देता हूँ, क्लियर हो गया ना. ये जो कीटोन है इन प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ दिस टेबी रिएजेंट ना, अगर हम लोग इस रिएक्शन करेंगे ना, फॉर एस्टर यू विल गेट दिस C, ये जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन की जगह में बस CH2 आ जाता है, क्लियर हो गया. ये जो CH2 है ना ये उधर आ जाता है एंड देन यू हैव OR, दैट्स द बेसिक पॉइंट. एंड इसमें भी क्या होता है, अगर हम लोग ये रिएक्शन करेंगे ना टेबी रिएजेंट के बेस में तो ये बन जाएगा ये, ठीक है. तो कीटोन एस्टर दोनों का ये बेसिकली CO से कार्बोनिल का जो CO है उसको CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट्स द बेसिक पॉइंट. ये यूज करेंगे ना तो ये क्या करेगा, ये जो एस्टर का जो कार्बोनिल है, एस्टर का जो कार्बोनिल है इसको क्या करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग CH2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है. नाउ द पॉइंट इज, मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं, ओके. नाउ द पॉइंट इज, ये जो रिएजन यूज किया गया ना इसको, ये जो रिएजन यहाँ पे यूज किया गया ना, ये रिएजन को यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट रिएजन को क्यों यूज किया गया. नाउ द पॉइंट इज, अगर जो मॉलिक्यूल यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे अगर हम लोग टेबी रिएजन डायरेक्ट यूज करते हैं ना, यहाँ पे अगर हम लोग टेबी रिएजन यूज करते हैं ना तो क्या होता है ना, बेसिकली देखो ये दोनों साइड का प्रोटेक्शन कर देता है, ठीक है. तो यहाँ पे भी यू विल गेट अ प्रोटेक्शन प्रोडक्ट प्रोटेक्ट एंड देन यू ऑल्सो विल गेट दिस प्रोटेक्शन प्रोडक्ट, ठीक है. तो द पॉइंट इज दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या किया गया है, प्रेजेंस ऑफ दिस फर्स्ट रिएजन, पहले कार्बोनिल जो ग्रुप है कार्बोनिल दैट इज कीटोन का यहाँ पे प्रोटेक्शन किया गया. एंड सेकेंड पार्ट में यहाँ पे टेबे रिएजन को यूज किया गया है बिकॉज एस्टर का जो कार्बोनिल है उसका CH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है.
उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है एसिड। एसिड के बिजनेस में क्या होता है, ये जो प्रोटेक्शन हमने किया ना इसका डी प्रोटेक्शन हो जाता है एसिड के बिजनेस में। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, ऐसे करके ना ऐसे करके इसका रिंग ओपन कर देते हैं, उसके बाद जो कार्बोनिल एजेंट होते हैं वहाँ पर जाकर फिर वाटर अटैक कर देते हैं। तो ऐसे करके प्रोटेक्शन जो ग्रुप था उसका डी प्रोटेक्शन कर देता है योर एसिड। ठीक है, एसिड के बिजनेस में इसका डी प्रोटेक्शन हो जाता है। एंड सी दिस इज काइंड ऑफ योर इनुलेट सिस्टम, तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन होगा तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे होगा, ये यू विल गेट दिस एंड लेट्स सी यहाँ पे ओ एम ई प्लस सी एच थ्री। तो एसिड के बिजनेस में क्या, वाटर जगह बैटर करेगा, ऐसे ओपन हो जाएगा। एंड फाइनली ठीक है, मैं इसको रेस कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर टेबिड एजेंट फर्स्ट टाइम यूज़ किया जाता तो दोनों साइड से ही बन सकता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे विल गेट दिस प्रोडक्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफ़ी बहुत सारी चीज़ हम लोग सीख सकते हैं इस प्रॉब्लम के थ्रू। पोएज ठीक है, एंड वी कैन राइट लाइक ए माइनस प्लस एच प्लस, तो क्या होगा यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा। तो नेक्स्ट में क्या होगा, ऐसे करके इसको निकाल देगा एंड ये जो पार्ट है विल गेट दिस कार्बोनिल एंड देन मिथाइल। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस प्रोडक्ट, फ्री कार्बोनिल, ये बन जाएगा कीटोन एंड ये बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग मिथाइल। ठीक है, सो आंसर शुड बी योर सी। तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन, ये देखो द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर, ये भी नेट जून 16 में आया था। तो ये जो फर्स्ट रिएजन एन बी एस एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, काफी फेमस रिएजन है। ठीक है, ये जो NBS है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ये भी काफ़ी फेमस रिएजेंट है। ये ब्रोमीन बेसिकली पॉजिटिव डाइपोल होता है। ठीक है, तो द पॉइंट इज देखो ये रिएक्शन जितना भी है ये बेसिकली एसीमेट्रिक है, दैट मीन्स काइरलिटी, कौन सी साइड से ये ब्रोमीन का अप्रोच होगा। सेकेंड स्टेप में यहाँ पे 30% NOH दिया गया। तो देखो इसको मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करना है। सी ये जो टर्टब्यूटल ग्रुप है ये इक्विटोरियल पोजीशन में मैंने रखा है। आई cannot write like this way. फाइव मेंबरिंग को ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बट इन दिस केस हम लोग ये एक्सियल में आ जाएगा ना, एंड एक्सियल में दैट इज हाईली अनस्टेबल, तो ऐसे हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर हो गया, ओके okay. उसके बाद देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अगर ये ग्रुप आप साइड में है तो बेसिकली यहाँ पे ये जो एन बी एस का जो ब्रोमिन ग्रुप है तो वो कहाँ से अप्रोच करेगा, ऑब्वियसली बी लो फेस से अप्रोच करेगा, राइट right? तो ये इसका जो अप्रोच होगा यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, ब्रोमिनेशन, ब्रोमोनियम साइक्लिक ट्राई साइक्लिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बनेगा एंड देन यू हैव ए 30% एनओएच। तो ओएच माइनस अभी कोई भी एक साइड से अप्रोच कर सकते, कोई भी एक साइड से, इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, तो वी कैन राइट एनीथिंग। तो मान लेते अगर इस साइड से अप्रोच करेगा, नाउ द पॉइंट इज बिकॉज ये ब्रोमोनियम आयन नीचे है तो ये अप्रोच कहाँ से होगा, आप से होगा, SN2 अप्रोच, राइट। अगर ये ब्रोमोनियम आयन नीचे है तो ये सिंपल ऊपर से अप्रोच होगा, तो क्या बनेगा देखो, सो ये ब्रोमोनियम आयन ब्रोमीन नीचे होगा एंड ओएच बनेगा योर अपसाइड। क्लियर हो गया। नाउ मीडियम में तो बेस है, मीडियम में तो बेस है, तो बेस क्या करेगा, बेस यहाँ से प्रोटोन को ले लेगा एंड ये ओ माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यू विल गेट दिस ओ माइनस एंड देन यू हैव ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ओ माइनस जाके इधर अटैक करेगा, ब्रोमिनिया से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बनेगा, ओ विल गेट दिस। ठीक है, तो एक इपॉक्साइड बन जाएगा। तो आंसर शुड बी दिस और दिस। अभी हम लोग को देखना है बी क्या बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट रिएजेंट है दैट इज योर गिलमैन रिएजेंट, राइट, Me2CuLi। तो ये बेसिकली योर गिलमैन रिएजेंट एंड गिलमैन रिएजेंट लाइक गिलमैन है, बट स्टिल ये क्या कर सकता है, इपॉक्साइड को ओपन कर सकता है। गिलमैन बेसिकली यूज होता है फॉर योर वन फूड एडिशन, बट ये इपॉक्साइड है तो सिंपली ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, कोई भी एक साइड में अटैक कर सकता है। तो मान लेते हैं ये बिलो फेस से अटैक करेगा क्योंकि इपॉक्साइड अभी अबव द फेस है, राइट। तो इसके अप्रोच अगर नीचे से होगा सो विल गेट दिस। अगर ये बिलो फेस से अप्रोच करेगा सो देन विल गेट दिस। ठीक है, तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, सो द पॉसिबल आंसर शुड बी दिस, ये तो नहीं होगा, राइट, द आंसर शुड बी योर ए, राइट, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं।
देखो ये जो क्वेश्चन ये भी CSI एंड UGC नेट 16 में आया था जून में, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो रिएजेंट है तो ये बेसिकली योर सिमन स्मिथ रिएजेंट, ठीक है, सिमन स्मिथ रिएक्शन का ये रिएजेंट है। अभी ये रिएजेंट का रोल क्या होता है ना, जो डबल बॉन्ड होता है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अगर हम लोग सिमन स्मिथ रिएजेंट यूज़ करेंगे ना CH2Cl2 और CH2I2, ओके CH2I2 नॉर्मल यूज होता है जिंक कॉपर सर्फेस में यूज़ करेंगे, देन हम लोग क्या मिलेगा, ये CH2 है जो बेसिकली यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड से हम लोग साइक्लोप्रोपेन रिंग क्रिएट कर सकते हैं, दैट्स द पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यहाँ पे देखो जो सिस्टम दिया गया है दैट इज योर एलाइलिक एल्कोहल, ये जो सिस्टम यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया दैट इज योर एलाइलिक एल्कोहल, राइट। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ डबल बॉन्ड यहाँ पे मिलता है, नाउ इफ आई ऐड CH2I2 एंड जिंक कॉपर, राइट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो डबल बॉन्ड है इसका साइक्लोप्रोपेन बनेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो अभी क्या करेगा, नीचे भी जा सकता है, ठीक है, दोनों सेम साइड में जाएगा ऑलवेज, राइट, दैट इज ऑलवेज यू सीस। नाउ सेकेंड जो रिएजन दिया गया है दिस इज का वेरी इंपॉर्टेंट रिएजन, ठीक है, रूथिनियम इज वेरी वेरी लाइक यहाँ पे रूथिनियम क्लोराइड दिया गया है एंड देन देव यू सोडियम पैराआयोडेट। नाउ वॉट इज द रीजन, यहाँ पे सोडियम पैराआयोडेट का क्या रोल है, तो यहाँ पे सोडियम पैराआयोडेट क्या करेगा, ये रूथिनियम जो है ना ये रूथिनियम को बेसिकली RuO4- में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ये बेसिकली रूथिनियम का ऐसे कॉम्प्लेक्स जॉइन कर देता है, ठीक है, रूथिनियम O4- एंड दिस इज इन सीटू। इन सीटू का मतलब क्या है, हम लोग रिएक्शन मीडियम में रूथिनियम O4- को जेनरेट कर रहे हैं बाई यूजिंग रूथिनियम क्लोराइड वाटर, यहाँ पे डॉट वाटर है एंड देन NaIO4, सोडियम पैराआयोडेट का यही रोल है, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज करके इन सीटू रूथिनियम O4- जेनरेट कर रहे हैं एंड दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट। नाउ रिमेंबर रूथिनियम का और एक रिएजेंट है दैट इज योर टीपैप, ये भी यूज होता है, ये बेसिकली एन प्रोपाइल टेट्राप्रोपाइल अमोनियम पारूथिनेट, ठीक है, ये जो कैटलिस्ट है, ठीक है, ये जो सॉरी नॉट कैटलिस्ट, ये जो लाइक रिएजेंट है दिस वन इज वेरी वीक, ठीक है, ये टीपैप काफी टाइम यूज किया गया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। नाउ ये बेसिकली ये रिएजेंट यहाँ पे पूछा गया RuO4-, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पे क्या होगा, ये जो CH2OH है ना एल्कोहल है ये कॉरस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा इफ यू यूज दिस रिएजेंट। अगर ये दो रिएजेंट अगर हम यूज करेंगे RuCl3 वाटर एंड देन यहाँ पे सोडियम पैराइड का रोल समझ में आ गया ना, ये बेसिकली RuCl3 से RuO4- में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ओके, एंड एट दी एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों ग्रुप ना सेम साइड में, ओके, एंड मिथाइल अबव द पेयर, तो एट दी एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, सो द पॉसिबल आंसर शुड बी योर दिस डी होगा, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन को ऐसे करके घुमा दिया कि टीपैप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टू ये रिएजेंट अगर छोड़ के टीपैप दिया गया ना देन ये एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, रिमेंबर इन दैट केस यू विल गेट LDI, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फॉर दिस क्वेश्चन यू विल गेट दिस आंसर शुड बी डी, बट अगर टीपैप दिया गया ना ये रिएजेंट टेट्रा इनप्रोपाइल अमोनियम पाइरूथिनेट देन यू विल गेट LDI क्योंकि ये वीक होता है, ठीक है। आई होप जो भी केमिस्ट्री मैंने डिस्कस किया अपकमिंग CSI नेट गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल होने वाला है स्टूडेंट के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।